इसके अलावा व्यूवर्स बहुत कुछ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी, केस्टाइल डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन और डिज़ाइनिंग आइडियाज़, ब्यूटी टिप्स की बहुत अच्छी आइडियाज़ मैं आपको अपने चैनल पर देती रहती हूँ। तो उसके लिए आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा व्यूवर्स, अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप मज़ीद अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपने इससे पहले हमारे चैनल पर ना देखा हो, या फिर आपको कुछ सीखने का शौक़ हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। व्यूवर्स, ये रिंग का आप स्टाइल देखें, इसमें नीलम भी ऐड है, इसके साथ साथ डायमंड है और सेंटर में जो है रूबी लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है और ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि डायमंड एक्सपेंसिव होते हैं, उसके साथ साथ नीलम जो होता है ब्लू स्क्वायर वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और रूबी जो है व्यूवर्स एक्सपेंसिव ज़रूर होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना डायमंड और ब्लू स्क्वायर होते हैं। व्यूवर्स, ये बहुत ज़बरदस्त जेमस्टोन है, अगर आप पहनेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा भी लगेगा, ये पहना हुआ बहुत डिफरेंट और ख़ूबसूरत लगता है। और अगर आपका बर्थ स्टोन है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बर्थ स्टोन ऐसे होता है व्यूवर्स कि अगर आपको नहीं मालूम कि आपका बर्थ स्टोन क्या है तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि आपका बर्थ स्टोन कौन सा बनता है, तो फिर उसके हिसाब से आप बर्थ स्टोन की रिंग बनवा सकते हैं या फिर इयररिंग्स बनवा सकते हैं, पेंडेंट बनवा सकते हैं, या कुछ भी जो भी आपका ज्वेलरी में पसंद हो आप उसमें लगवा कर ज़रूर पहनें, आपकी लाइफ पर बहुत अच्छे इफेक्ट्स होंगे इससे। और ये बहुत प्यारे प्यारे से स्टाइल डिज़ाइन आपको कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उम्मीद है ये आपको अच्छे लगे होंगे। हार्ट शेप में, शगोर शेप में, ओवल शेप में, काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं, फ्लावर में भी हैं जो इस वीडियो में दिखाए गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत अच्छा सा आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।